अगर भाई निकल गई ना सारी हेगड़ी, जा रही है ना चोल छोड़ के, जा अच्छा है तेरे लिए। अरे ये इस बात में कितनी बार समझाई तेरे को, लेकिन तू है कि जाने से पहले माफी मांगने आ गई है। मेरे को नहीं तेरी माफी वाफी कुछ चाहिए ही नहीं रे बाबा, तू यहाँ से कट रही है ना, ये इस मेरे लिए काफी है। तू मेरे को इस घर से निकालना चाहती थी ना, अब रघु ने तेरे को निकाला है अपनी जिंदगी से। ये ले कागज और निकल यहाँ से, चल। इस सब का कोई फायदा नहीं है, अब हम तेरे साथ रिश्ता तोड़ चुके हैं। रिश्ता है रखो, खिलौना नहीं, कि जब मन चाहा जबरदस्ती से जोड़ दिया और जब मन चाहा अपनी मर्जी से तोड़ दिया। अब तुम इस रिश्ते से भाग नहीं सकते, आज से बल्कि अभी से हमारा रिश्ता शुरू है, पति पत्नी का रिश्ता। अपुन साफ साफ बोल चुका है, अपुन माई को घर से नहीं निकाल सकता, और अपुन कौन होता है निकालने वाला? अरे ये घर इसी का है, अपुन तो बस इधर रहता है। जानती हूँ रघु, इसलिए तो मैं भी अपने पति के घर में रहने आई, जहाँ राघव वहां सी। और वैसे मैंने कहा जरूर था, लेकिन चाहती तो मैं भी नहीं थी कि तुम इन्हें घर से बाहर निकालो। मैं तो बस तुम्हें परख रही थी, जो बेटा अपनी माँ का नहीं हो सकता वो अपनी बीवी का क्या होगा। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। अगर तुम अपनी माई के साथ न्याय कर सकते हो तो तुम अपनी बीवी के साथ भी न्याय जरूर करो। क्या सीन था, काफ़ी इमोशनल था, तो क्या हुआ? जी बिल्कुल, हर लड़की की ज़िंदगी में जो विदाई होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेशल और इमोशनल पार्ट होता है। सिमिलरली आज धनक थोड़ा अनलकी है इस मामले में, कि उसकी शादी भी बहुत ही अब्रप्टली हो गई, यू नो अनप्लान्ड, और अब विदाई का भी उसने जो डिसीजन लिया है उसमें भी कुछ वो स्पेशल ट्रीटमेंट उसे नहीं मिल रहा है जो एक लड़की को मिलना चाहिए, जो डिज़र्व करती है। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट उसके सिबलिंग्स मतलब उसके भाई बहन उसे सपोर्ट करें। कोई भी पापा ऐसे ढकेलेगा नहीं अपनी बेटी को, तो मेरे पापा भी इसीलिए मुझसे उखड़े हुए हैं कि मैं नहीं चाहता तुम ऐसा करो। पर धनक ने डिसाइड कर लिया है कि वो रघु को एक मौका देगी, अपनी शादी को एक मौका देगी, क्योंकि संबेर उसे ये समझ में आ गया है कि रघु अच्छा इंसान है। बाकी जब रघु सुधर जाएगा तो परिवार को तो हैंडल हम कर ही लेंगे।